आपके साथ। पूर्णिया जिला बैडमिंटन संघ का चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हुआ, जिसमें राणा घोष को सचिव, डॉक्टर ब्रह्मदेव को अध्यक्ष, अभय कुमार सिन्हा को कोषाध्यक्ष, जावेद अंजुम को सीनियर प्रेसिडेंट तथा पंकज नायक को संयुक्त सचिव चुना गया। आगामी सत्र में बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन भी इसी नवगठित कमेटी के देखरेख में संपन्न होगा। मौके पर निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर ए के गुप्ता व सचिव डॉक्टर उमेश कुमार सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे, जिन्होंने नव निर्वाचित कमेटी के पदाधिकारियों का स्वागत किया। गौरतलब है कि जिला का एकमात्र इंडोर स्टेडियम इन दिनों सरकारी उदासीनता के कारण बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। जगह जगह छत से पानी टपकता है, लकड़ी से बना कोर्ट कई जगह से टूटने लगा है। सरकार के पिछले कार्यकाल में कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री रहे कृष्ण कुमार ऋषि ने इंडोर स्टेडियम एवं DSA मैदान का निरीक्षण कर तत्कालीन जिला पदाधिकारी प्रदीप झा से जीर्णोद्धार हेतु पराकलन बनाकर विभाग को भेजने का निर्देश दिया था, जो बीतते समय के साथ सिर्फ कहानी ही साबित हुई। बताते चले कि इस इंडोर स्टेडियम ने कई ऐसे खिलाड़ियों को दिया है जो स्टेट व नेशनल स्तर पर अपना लोहा मनवा चुके हैं। अभी नव निर्वाचित कमेटी से उम्मीद लगाई जा रही है कि इस धरोहर रूपी इंडोर स्टेडियम में नई जान फूंकने का काम करेंगे और खिलाड़ियों को सिंथेटिक मैट पर खेलने का भी सपना जल्द साकार होगा। बता दे किस चीज का विस्तार, फोटो भेज देना हमको। ये जो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन का नया सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट का हम लोग सिलेक्शन किए हैं। मेरा 2-3 साल हो गया था, तो सोचा गया कि नया टीम को मौका दिया जाए और नई ऊर्जा के साथ जो है अपना काम करेंगे। बहुत सारा काम अभी बाकी है, मेरे पास उतना समय भी नहीं था। और तो नया टीम, नया सेक्रेटरी के रूप में राणा जी, राणा घोष बने हैं और हमारे नया प्रेसिडेंट डॉक्टर ब्रह्मदेव कुमार हम लोग को सेलेक्ट किए हैं। तो उम्मीद है कि ये टीम बहुत अच्छे से काम करेगा, सबका सहयोग लेकर के हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे। हमारा PDPA काफ़ी साल पुराना है और हम लोग नई ऊर्जा से इसको और नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। सभी मेंबर्स जो इंटरेस्ट लूज कर गए हैं उनको भी साथ लाएंगे, उनको भी साथ लेकर के कायाकल्प करेंगे इस बैडमिंटन कोर्ट का और टूर्नामेंट बहुत शीघ्र हम लोग जिला का करने जा रहे हैं। बताया जाए आपको नया प्रभार मिला, कैसे काम करेंगे इसमें? अभी तो नया प्रभार मिला है, सबको लेके काम करना है, सबको मेरा साथी रहना है। ऐसा नहीं जो सेक्रेटरी हम बने तो हम ही को सब कुछ करना है, सबको मिलके ही करना है, बस इतना ही हम करना चाहते हैं।